सदर थाना पुलिस ने बंद बॉडी के कैंटर में क्रूरता से ले जाए जा रहे 42 पशुओं को मुक्त कराने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने दो आरोपियों को मौके से काबू कर मामले में कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। बंद बॉडी के कैंटर में क्रूरतापूर्वक 42 कटरे और भैंसों को भरकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने दो लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। हैरत की बात यह है कि इतनी गर्मी में बंद कैंटर में ठूस ठूस कर पशुओं को भरा गया था, जिन्हें उत्तर प्रदेश से केरल ले जाया जा रहा था, जहां तक पहुंचते पहुंचते पशुओं की हालत खराब हो जाती। सदर थाना प्रभारी राधेश्याम ने बताया कि केजीपी टोल नाके के निकट शक के आधार पर कैंटर को रोककर उसकी तलाशी ली गई तो उसमें से 42 भैंस और कटरों को ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में पलवल के अजीजाबाद निवासी राशिद पुत्र उस्मान, उत्तर प्रदेश के बागपत निवासी सद्दाम पुत्र अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस मामले की कार्यवाही में जुटी है। आज तो पैर को एक बंद बॉडी का कंटेनर पकड़ा है, जिसमें लगभग 42 के आसपास खटड़े ठूस ठूस कर भरे हुए थे, जो कि अभी फिलहाल प्रारंभिक पूछताछ तो ये बता रहे हैं यूपी से और केरल की ओर लेके जा रहे थे, लेकिन पूछताछ करेंगे इनसे अच्छी प्रकार से, फिर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। इसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया, ये राशिद है अजीजाबाद का और दूसरा सद्दाम है ये बागपत यूपी का। हाँ, ये एक ही कंटेनर है, बंद बॉडी का कंटेनर है, उसमें भर के लेके जा रहे थे, ठोस ठोस कर भरे हुए थे, जिनको पकड़ा गया। इनके खिलाफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और इनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाएगा।